हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आक्रम जी के दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 2024 मॉडल बजाज पल्सर एनियस 125 न्यू फीचर्स अपडेटेड हो चुके हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप बहुत ही अच्छी जानकारी पाने वाले हैं। अगर आप बजाज की बाइक में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर अदर अगर आप कोई भी बाइक 125 सीसी में लेना चाहते हैं 2024 में, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं बेस्ट बाइक 125 सीसी 2024-2023 में। आप कोई भी बाइक अगर लेना चाहें 125 सीसी में, तो कौन सी बाइक आपके लिए सबसे बेस्ट होगी और कौन सी आपके लिए लेना, माइलेज, रीसेल वैल्यू, हर एक चीज़ में आगे रहेगी। तो आज की इस वीडियो में आप बहुत ही अच्छी जानकारी पाने वाले हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करिए। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इसका ही रिव्यू नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि 125 सीसी में और कौन सी गाड़ियाँ हैं जो आपको इसके कंपटीशन में रहने वाली, इसके कंपटीटर में रहने वाली है, और वो गाड़ी अच्छी है या फिर ये अच्छी गाड़ी है। तो सबसे पहले हम नाम ले लेते हैं, इसके कंपटीटर में आती है होंडा एसपी 125, पल्सर एनएस 125 वेस होंडा एसपी 125। उसकी कीमत और इसकी कीमत में डिफरेंस आपको बहुत ही ज़्यादा मिल जाएगा। और उसके बाद हीरो ग्लैमर एक्सटेक है और सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक है, ये भी आपका 125 सीसी में, और टीवीएस राइडर 125 वेस पल्सर एनएस 125, इसका भी कंपैरिजन होने वाला है। अब सबसे पहले हम अगर बात कर ले भाई इस बाइक के लुक से, तो इसके जैसा लुक आपको इन सभी बाइकों में नहीं मिलने वाला है 125 सीसी में। इसलिए कि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो देखिए, इसमें बार एंड आपको इस तरह से मिल जाता है और ये पूरा फीचर देख सकते हैं। और यहाँ पर इंजन की स्विच आपको मिल जाता है, जो कि टीवीएस राइडर में नहीं मिलेगा, ना हीरो स्प्लेंडर में मिलेगा, ना आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक, ना आपको ग्लैमर एक्सटेक में मिलेगा, ये आप देख सकते हो। लेकिन इसके अंदर आपको इंजन की स्विच मिल जाती है, बार एंड हैवी मिल जाता है, और ये पूरा फुटेज ये जो है हैंडल बार इस तरह से काफ़ी हैवी क्वालिटी का मिलता है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा फ्रंट पर, तो भी गार्ड मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब इस गाड़ी में आपको नया फीचर यहाँ पर देखिए, लंकी वाले नट से ये पूरा वाइजर फ्रंट से टाइट किया गया है। अदर बाइकों में इसी में ऐड कर देते हैं इसके वाइजर में, लेकिन इसका सिस्टम अलग एकदम किया है, देख सकते हैं लंकी वाले नट से रहेगा टाइट, ये देखिए आप मजबूती। और यहाँ पर बजाज का लोगो और 12 वोल्ट का 35 वाट का हैलोजन बल्ब। इस लाइट में अब और भी अपग्रेड जो अपडेट हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कटिंग आपको मिलेगा काफ़ी अच्छा। और यहाँ पर 2 पायलट लाइट, यहाँ पर नंबर प्लेट लगेगा, ये रहा इसका इंडिकेटर ट्रांसपेरेंट ग्लास पर बल्ब वाला, ये रहा पूरा फ्रंट का लुक। और साइड पर अब आप देखेंगे तो यहाँ पर मेटेरियल का काफ़ी गजब का कॉम्बिनेशन का स्टिकर मिल जाएगा इसके अंदर, दोनों साइड पे ये स्टिकर आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। दूसरी बात, अब इस गाड़ी में अगर आप मिडगार्ड देखोगे तो काफ़ी स्पोर्टी लुक का आपको मिडगार्ड मिलता है इस तरह से, आप देख सकते हैं ये पूरा एकदम बढ़िया नंबर एक टेक्सचर डिजाइन भी यहाँ पर आपका रहेगा, ये पूरा मिडगार्ड इस तरह से रहेगा। 220 mm का फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन रिफ्लेक्टर के साथ, 8017 का ट्यूबलेस टायर वो भी रैपिंग के साथ, ये देखिए आप अलॉय व्हील पर ऐसी अलॉय व्हील ना होंडा एसपी में मिलेगी आपको 125 में, ना होंडा साइन में, और ना आपको टीवीएस राइडर में, ना आपको मिलेगी सुपर स्प्लेंडर, ना ग्लैमर स्टिक, ये देखिए आप अलॉय व्हील देखो आप पहले, इतनी बढ़िया डिजाइन की अलॉय व्हील आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलने वाली है। इसके अंदर आपको रैपिंग भी मिल जाएगी, ये देखिए आप व्हील पर बढ़िया अब अच्छा स्टिकर आ गया इसके अंदर, पहले से और भी बढ़िया हो गया है। यहाँ पर स्पीडी वाला बताने वाला है, ये रहा इसका सस्पेंशन देख सकते हैं आप, और ये देखिए नंबर प्लेट का यहाँ पर ये पूरी मजबूती के साथ ये पूरा जोड़ा गया है, देखो आप मजबूती इसके अंदर आपको मजबूती भी काफ़ी गजब की मिलती है। आप साइड पर देखेंगे तो 2 एलंकी वाले नट से ये टाइट हुआ है इसका फ्रंट का फेंडर, कहीं ये हिलने वाला नहीं है, ना डुलने वाला है, ना कहीं जाने वाला है, ये पूरा ये लोहे से इस तरह से पूरा देखो ये टाइट किया है, ये देखिए आप मजबूती। तो मजबूती भी मैं आपको दिखाता हूँ कि बजाज की गाड़ी मजबूत भी नंबर एक ही रहती है, होंडा एसपी का हिलने लगता है, खड़खड़ाने लगता है, और ग्लैमर और सुपर स्प्लेंडर का भी, लेकिन इसका आपको खड़खड़ाने वाला नहीं है भाई, मजबूती बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आप यहाँ पर चलिए, हम सामने से आपको हैंडल बार देखिए इसके अंदर आपका, मैं फुल रिव्यू किया हूँ वाली गाड़ी जिसको स्टार्ट किया हूँ, इसके अंदर आपको लाइट मिलेगी, इसके अंदर जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो यहाँ पर लाइट जलेगी, ऐसा फीचर आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलेगी जितना मैंने नाम लिया है, ना होंडा एसपी 125, ना हीरो की जितनी गाड़ियां हैं, ना टीवीएस राइडर 125 में। अब देखो यहां पर ये जो आपको पल्सर मिल चाबी मिलती है, पल्सर लिखा हुआ, ये देखिए चाबी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है, और यहां पर सेमी कंसोल मिलेगा, डिजिटल एंड एनालॉग, यहां पर बजाज का लोगो है, यहां पर स्पीड बताएगा, यहां पर आपका पेट्रोल बताएगा, यहां पर आपका आरपीएम बताएगा, स्पीड इसके अंदर बताएगा, ये पूरा फीचर यहाँ पर आरपीएम लिमिट, ये देखिए मोड सेट का बटन रहेगा इस तरह से, तो इसको चालू करके भी दिखाएँ दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं। और उसके बाद स्प्लिट में हैंडल बार आपको मिलेगा, ये देखिए आप अलग अलग, ये हैंडल अलग, ये हैंडल अलग, देखो यहाँ पर ये जोड़ा गया है नट से, तो ये सिस्टम आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा जितना भी मैंने नाम लिया है, और ये पूरा बार एंड देख सकते हैं आप। आप चलिए भैया इसको ओपनिंग करते हैं, वाह क्या बात है, इसका फ्यूल टैंक देखो आप पहले, इतना बड़ा फ्यूल टैंक आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कंपटीशन में होंडा एसपी आती है 125, लेकिन वो भी इतना बड़ा आपको फेंडर और फ्यूल टैंक नहीं देती है।
E20 वाला मॉडल है, BS7 है, पल्सर NS 125 BS7 E20 वाला मॉडल यहाँ पर आप देख सकते हैं। 12 लीटर पेट्रोल आएगा इसके अंदर। अब ये देखिए पल्सर का 3D वाला स्टिकर आपको दोनों साइड पे मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। टैंक पैड मिलेगा जो किसी गाड़ी में आपको नहीं मिलने वाला 125cc में। यहाँ पर 125 का अब आपको और भी ज़बरदस्त स्टिकर मिलेगा, ये देखिए आप नया स्टिकर, ये देखिए वाइट कलर और इसका कॉम्बिनेशन 125 का ज़बरदस्त मिलने वाला है। ये देखो आप पूरा मजबूती, यहाँ पर चेसी देखो कितनी लंबी चौड़ी है, देखो आप पहले ये किसी गाड़ी में नहीं मिलने वाला, इतना चौड़ा लंबा चौड़ा चेसी है, पूरा फ्यूल टैंक देख सकते हैं इस तरह से, ये पूरा मजबूती के साथ आता है। ये देखिए आप पूरा चेसी देखो आप पहले इसके अंदर, ये देखिए एयर के लिए यानी ठंडा करने के लिए इंजन को, ये देखिए पूरा सिस्टम बनाया गया है ताकि और गाड़ी अच्छी दिखे। साइड पर देखिए पूरा एक कवर दिया गया है, दोनों साइड पर अपर हॉर्न आपको मिलेगा, ये चीज़ देखो आप, ऐसा किसी सिस्टम, ये सिस्टम किसी गाड़ी में नहीं है। ये देखो आप पल्सर का ब्रांडिंग बढ़िया ब्लैक और मेट रेड का कॉम्बिनेशन, वाइट कलर का इस तरह से देख सकते हैं आप, तो काफ़ी गजब का, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी दे रहा है यहाँ पे। फ्यूल इंजेक्शन वाली अब आ चुकी है, ये पहले कार्बोरेटर था, फ्यूल इंजेक्शन मिलेगा। आप देखिए किक स्टार्टर आपको इसमें मिल जा रहा है, लेकिन किक स्टार्टर आपको TVS के राइडर 125 में नहीं मिलेगा, बाकी में तो मिल जाएगा। अब इसमें 124.45cc का इंजन है, पावर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा होंडा SP से भी और हीरो की गाड़ी से भी, नंबर एक का बढ़िया पावर माइलेज सबसे ज़्यादा देगी गाड़ी, 60 प्लस का माइलेज देगी, लगभग 70 मान के चलो अगर अच्छे से चलाओगे तो। यहाँ पर ऑयल फिल्टर सिस्टम दिया गया है, बजाज का इंजन आपको 5 गियर का रहेगा, किक सेल्फ दोनों स्टार्टर रहने वाला है, 125cc इंजन आपका रहेगा और एयर कूल 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OSC एयर कूल इंजन आपको मिलता है। और उसके बाद ये देखो इंजन गार्ड पूरा लोहे के यहाँ पर पत्ती पर ये पूरा टाइट किया गया, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखिए मजबूती नंबर एक का यहाँ पर देखिए पूरा इस तरह से रहने वाला है, लेग गार्ड यहाँ पर बनेगा, जब आप खरीदेंगे तो एक्सेसरीज लगेगी। ब्रेक लीवर देखो इतना स्टाइलिश लुक के साथ आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा और ये फ्लेक्सिबल फुटेज वो भी रबर के साथ, और ये इस तरह से है जैसे किक लगाएंगे तो इसको इस तरह से आप लॉक कर सकते हैं ऊपर, तब ये जाके किक लगेगा इस तरह से। ये देखिए ये सिस्टम बढ़िया दिया गया है और ये आपका ये भी आपका लॉक हो जाएगा, देखिए आप बहुत ही बढ़िया फ्लेक्सिबल फुटेज मिलेगा। ये साइड का आपका पैनल इस तरह से रहने वाला है, ग्रिल के साथ मिलेगा आपको और इस साइड से आप देख सकते हैं, ये देखिए फ्यूल इंजेक्शन साइड का पैनल इस तरह से, यहाँ पर भी आप इंजन देख सकते हैं, इंजन की मजबूती आप देखो ये पूरा इस तरह से ये दिया गया है, बजाज का लोगो, 5 गियर लीवर आपको मिनी वाला मिलेगा छोटा, और ग्लैमर में सुपर स्प्लेंडर में बड़ा वाला रहने वाला है। यहाँ पर लेग गार्ड इंजन गार्ड देख सकते हैं, लेग गार्ड लगेगा, चेसी देखो आप, यहाँ पर कवर भी दिया गया है, ये रबड़ आपका लगा है, ये फुटरेस्ट साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन फीचर मेन स्टैंड पूरा आप देख सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा चेंजेस इसके अंदर आपको मिलता है मोनो सस्पेंशन, वो भी 5 स्टेप एडजस्टेबल और नाइट्रोक्स वाला, देखो आप यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, ये देखिए नाइट्रोक्स सस्पेंशन मिलता है, ये सस्पेंशन बहुत ही अच्छा होता है, किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा और इसमें आपको अच्छा मिलेगा कि इसका अंडर बेली एक जोर से साइलेंसर बाहर से आपको नहीं दिखेगा इस तरह से, ये बहुत ही बढ़िया काम है इसके अंदर, ये बहुत ही गजब की चीज़ है। और उसके बाद स्प्लिट सीट आपको ना ग्लैमर में मिलेगी, ना सुपर स्प्लेंडर में, ना होंडा एसपी में, ना होंडा साइन में, सिर्फ TVS राइडर में मिलेगी। तो उसका साइलेंसर बाहर है, इसके अंडर बेलेक जो इसमें नाइट्रो सस्पेंशन मिलता है उसका नाइट्रोक्स नहीं है, ये सबसे अच्छा सस्पेंशन है। यहाँ पर स्प्लिट सीट वो भी काफ़ी गजब की मिल जाएगी, यहाँ पर आपको NS 125 की सबसे नई स्टिकर मिलेगा, सबसे नया स्टिकर यहाँ पर, ये भी आप देख सकते हैं पूरा लुक इस तरह से रहेगा, ये देखिए आप नीचे से लेकर, ये देखिए आप पूरा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा स्टिकरिंग इस तरह से किया गया है, देखो एकदम लाजवाब चीज़ है भाई साहब। ये यहाँ पर चाबी लगा के सीट खोल सकते हैं, साइड का पैनल पर फ्यूल इंजेक्शन इस तरह से, ये देखिए मोनो सस्पेंशन, उसके बाद यहाँ पर अंडर कवर पूरा चेन कवर देख सकते हैं, पीछे मडगार्ड देख सकते हो आप। अब रियर का जो टायर है वो आपको 190/17 का मिलता है, आगे वाले से पीछे वाला लंबा चौड़ा टायर है, रैपिंग देखो, अलॉय व्हील देखो, नंबर एक की अलॉय व्हील आपको मिलती है, ये पूरा इसके अंदर देख सकते हो सिस्टम इस तरह से दिया गया है मॉडल। पीछे की टेल लाइट आपको LED वाली मिलती है, जहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी स्टिकर, स्प्लिट में ग्रेवरेल, ये देखिए पूरा लुक नंबर वन रहने वाला है। यहाँ पर आपको मिल जाता है ट्रांसपेरेंट ग्लास पर इंडिकेटर चारों, यहाँ पर नंबर प्लेट की लाइट, यहाँ पर नंबर प्लेट रिफ्लेक्टर, पीछे मडगार्ड, अरे यार ये पूरा समझ लो फुल हथियार से लैस है ये गाड़ी, आपको ना 125cc में सबका बाप है ये समझ लो आप, माइलेज में, पावर में, पिकअप में, परफॉर्मेंस में, फीचर्स में, लुक में, हर एक चीज़ में, मजबूती में, सब चीज़ में आपको ये 125cc में सबका बाप है भाई। अब इसकी ऑन रोड कीमत है 1,23,150, होंडा SP भी 1,17,18,000 रुपये है, और उसके बाद सुपर स्प्लेंडर स्टेक है, ग्लैमर स्टेक है, भी 1,00,000 के ऊपर ही सब गाड़ियां हैं आजकल। लेकिन इस गाड़ी में अगर आप लेते हैं 1,23,000 रुपये देकर, तो आपको सबसे अच्छा फीचर
हर एक चीज़ आपको बढ़िया मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।